हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका एक बार फिर इस वीडियो में, जहां पर मैं बात करूंगा सब्सक्राइब करें प्लीज। और सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। तो मैं बात कर रहा हूं अपनी होंडा सीडी 110 के बारे में, जिसको मैंने फ्राइडे को परचेज किया है, कैश में परचेज किया है। तो वो चीज़ मैं बता रहा हूं आपको कि उसमें मेरे को क्या क्या मिला है। उसमें मेरे को ऑन रोड 88,000 की पड़ी है, तो 88,000 में लगभग डाउन पेमेंट मैंने 88,000 दे दिया है, तो पूरी ही 88,000 की हो गई है। तो उसमें मैं बताता हूँ आपको कि वन प्लस फोर ईयर का तो जो सब में आता है वो इंश्योरेंस मिला है, 6,329 का इंश्योरेंस हुआ है उसमें। एक ईयर के लिए तो आपके जीरो डेप्थ है उसमें, ओवरऑल है, और पर्सनल डेथ कवर भी है, एक्सीडेंटल डेथ कवर भी है 15 लाख तक, और 4 साल का टोटल, 5 साल के लिए थर्ड पार्टी है, और वन प्लस फोर ईयर का ये इंश्योरेंस होता ही है। और इसमें मेरे को 10 साल की वारंटी मिली है इंजन पर, सेंसर पर, वायरिंग पर, और जो स्विचेस वगैरह हैं इनके, तो जैसा कि उन्होंने बताया तो वो उन्होंने 10 साल की वारंटी दी है इन चीज़ों पर सब पे। और मेरे को सारा चीज़ 88,000 में पड़ गया है, 88,000 में ही, 88,000 में ही सारी चीज़ें हो गई हैं। 5 साल का इंश्योरेंस हो गया, 10 साल की वारंटी हो गई। अगर इतनी ही अगर लाइफ स्पान मानते हैं अपनी बाइक की तो टेंशन फ्री है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि आपको आई थिंक ईयर में आपको एक बार उनसे सर्विस करानी ही पड़ेगी। जैसे आप बाहर भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ एक बार तो अगर आप सर्विस ऑथोराइज डीलर से ही कराते हैं, होंडा से, तब आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी और वारंटी हमेशा 10 साल के लिए रहेगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करानी है। और RC आजकल ERC आ रही है, तो वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलती है। हार्ड कॉपी चाहिए तो आप डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल सकते हैं उस चीज़ का, लेकिन वो कोई सेंसिबल चीज़ नहीं है। अगर निकाले तो निकाल लें, लेकिन वो कोई वो वाली बात नहीं है। और एक चीज़ है कि 2-4 दिन में इसके RTO से नंबर भी आ जाएंगे। और बस इतना ही था, इंश्योरेंस हो गया, कितना पेमेंट किया आपने, कितने की पड़ी ऑन रोड वो हो गया, और आपकी वारंटी हो गई, तो सारी चीज़ें हो गई, एक पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर भी हो गया इसमें 15 लाख तक का। तो ये चीज़ें सारी देखते हुए बहुत ही अच्छी बाइक है, और आई थिंक 70 का माइलेज निकाले तो वेरी बेस्ट बाइक है, कम्यूटर बाइक में सबसे बढ़िया निकलेगी ये। और भी हैं, शाइन के रिव्यूज़ भी अगर अपन देखते हैं तो 85-90 के करीब वो माइलेज देती है, किसी किसी के पास देती होगी, किसी के पास नहीं देती होगी। मेरे को होंडा में कोई मिला था तो बोलता है कि 110 पर मैं 80 किलो रोज लेके चलता हूँ, और 30 किलोमीटर जाना होता है वापस, तो खाली हाथ आते हैं वो, खाली गाड़ी आते हैं, खाली हाथ तो पैसे लेके आते होंगे, तो 70-80 किलो लेके जाते हैं, और खुद भी 70-80 किलो के तो होंगे ही, दिखने में तो ज़्यादा के लग रहे थे। तो अपन 150 किलो अगर माने तो वो बाइक उनको 65+ माइलेज दे रही थी, और भीड़ भाड़ में भी चल रहे थे, ट्रैफिक में भी ज़्यादा था उनका, 25 किलोमीटर ट्रैफिक में था, 5 किलोमीटर उनका गांव था, तो खाली रोड थी। तो उन्होंने ये चीज़ फीडबैक दी तो मेरे को अच्छी लगी। गाड़ी भारी लगती है, ऊंची लंबी चौड़ी सब कुछ है, लेकिन शाइन जैसी आवाज़ नहीं है, शाइन जैसा जो उसका पिकअप है वो नहीं है। तो सारी चीज़ें अगर अपन देखते हैं तो शाइन बेस्ट है अपने लिए, लेकिन फिर भी अपन ने CD 110 लिया है, इसको आजमाते हैं, अगर पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरी लेंगे चौड़ा चलाने के बाद में, अभी नहीं। और ओला के लिए आप वेट करें, ओला आने वाली है, 2-4 दिन में आ जाएगी, फ्राइडे को शायद डिलीवरी डेट है उसकी, तो आई थिंक फ्राइडे को अपन ले लेंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, रूल्स फॉलो करें, सीट बेल्ट हेलमेट का ध्यान रखें। इसके साथ मेरे को हेलमेट भी मिला है CD 110 के साथ, आजकल सभी हेलमेट देते हैं, लेग गार्ड मिला है, सीट कवर मिला है, ये चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, और हैंडल रबर मिले हैं और ग्लास मिले हैं, ये चीज़ें मिली हैं। और चीज़ें मैंने क्या क्या लगवाई हैं, क्या क्या खुद लगाई हैं, वो चीज़ें सारी अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, नोटिफिकेशन ऑल पे दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और थैंक यू।